अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द वर्ल्ड। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज किस वीडियो का टॉपिक है द पैरट। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है आज की ये वीडियो, तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं इनकी स्पीशीज़, यानी इनकी कितनी नस्लें हैं। तो इनकी ज़्यादातर नस्लें पाई जाती हैं न्यूज़ीलैंड में, और ये सारे के सारे बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती हैं सिवाय चंद एक के। तो इनकी स्पीशीज़ हैं 370 से 400 तक, और ये सारे के सारी ब्राइट कलर में मिलती हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हिस्सा है बर्थ एंड चिक्स। तो एक फीमेल पैरट एक वक्त में 2 से 8 अंडे देती है, और ये अंडे 24 से 28 दिनों के अंदर अंदर हैच हो जाते हैं, यानी इनसे चूज़े निकल आते हैं। जब ये चूज़े अंडों से निकलते हैं तो इनकी स्किन पर बिल्कुल भी पर नहीं होते, और इनकी आंखें बंद होती हैं, और ये तकरीबन 2 से 3 हफ्तों के अंदर अंदर अपनी आंखें खोल लेते हैं, और ये तकरीबन 1 से 4 साल के अंदर अंदर एडल्ट हो जाते हैं। कुछ नस्लें हैं जो कि जल्दी एडल्ट हो जाती हैं। तो अगला हिस्सा है वेट, लेंथ एंड स्पीड। अगर वेट की बात की जाए तो इनकी सबसे छोटी नस्ल का वेट होता है 12 ग्राम, और इनकी एक ऐसी भी नस्ल है जिसका वेट होता है 4 से 5 किलोग्राम। शायद आपको यकीन ना आए, नॉर्मली इनका वेट होता है 1 पाउंड से लेकर 2 किलोग्राम तक। तो अब बात कर लेते हैं लेंथ की, जो कि वेट की तरह मुख्तलिफ होती है। तो दोस्तों, इनकी लेंथ होती है 9 सेंटीमीटर से लेकर 1 मीटर तक। जी हाँ, इनकी कुछ स्पीशीज़ की लेंथ 1 मीटर से भी बढ़ जाती है। तो चलिए अब जान लेते हैं इनकी स्पीड। तो दोस्तों, इनकी स्पीड 40 किलोमीटर पर घंटे से लेकर 60 किलोमीटर पर घंटे तक होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम जानेंगे इनका हैबिटेट, कि ये रहते कहाँ पर हैं। दोस्तों, इनकी ज़्यादातर स्पीशीज़ तो न्यूज़ीलैंड में पाई जाती हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि ये सिर्फ न्यूज़ीलैंड में ही देखने को मिलते हैं, बल्कि ये हर गर्म इलाके और हर ठंडे इलाके में पाए जाते हैं। पैरट्स जिस जगह पर रहना पसंद करते हैं वो है दरख्त, ऐसे दरख्त, और ज़्यादातर ऐसी जगहों पर रहना पसंद करते हैं। इनको बोलते हैं क्लेलिक। और जिन पैरट्स को हम घरों में पालते हैं, अगर हम इनकी पूरी ज़रूरियात का ख्याल रखें तो ये हमारे साथ खुशी खुशी रह सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और अब हम जान लेते हैं इनके मील के बारे में, यानी पैरट्स क्या खाते हैं। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, वैसे ज़्यादातर पैरट्स सीड्स खुश होकर खाते हैं, यानी बाजरा वगैरह, और ये खाते हैं गोश्त। जी हाँ, ये गोश्त खाते हैं, और इसके अलावा इंसेक्ट्स यानी कीड़े मकोड़े, ये फल और सब्जियां वगैरह भी खा सकते हैं। तो चलिए अब इनके बारे में जान लेते हैं अदर फैक्ट्स, यानी दूसरे हकायक। दोस्तों, ये जो आप पैरट देख रहे हैं इसको बोलते हैं किया, और ये ख़तरनाक तरीन बर्ड्स में से एक है। यह न्यूज़ीलैंड में पाया जाता है। ये पैरट्स बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, और जिस इलाके में पाए जाते हैं वहाँ इंसानों की कीमती शिया को चुरा कर ले जाते हैं। जी हाँ, ये हकीकत है। और जब इनको खाने को कुछ नहीं मिलता तो ये ज़िंदा भेड़ बकरियों को खाना शुरू कर देते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, ज़िंदा भेड़ बकरियों को। शायद आपको यकीन ना आए, मगर ये दुनिया का ख़तरनाक तरीन बर्ड है। दोस्तों, पैरट्स बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। ये हर वो अल्फाज रिपीट कर सकता है जो कि एक इंसान बोल सकता है, और ये हम इंसानों के हर एक्शन को गौर से देखता है, और वही एक्शन परफॉर्म करने की भी सलाहियत रखता है। अगर आपने घर में कोई पैरट रखा है, आप उसको ट्रेन करेंगे तो वो कई कामों में आपकी मदद कर सकता है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये हकीकत है, कोई जोक या फिर लतीफ़ा नहीं है। क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में मौजूद तमाम पैरट्स की बीक यानी चोंच टेढ़ी होती है? जी हाँ, ये आगे से बैंड होती है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसकी चोंच में इतनी पावर होती है कि ये एक वॉलनट को अपनी चोंच के साथ तोड़ता और खाता है, वही वॉलनट जिसको हम दीवारों पर मार मार कर तोड़ते हैं। यह हकीकत है कि इसकी चोंच में इतनी पावर होती है कि यह पिंजरों को भी काट सकता है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने सही सुना, ये पिंजरों को भी काट सकता है।
क्या आप जानते हैं कि पैरट वो वाहिद बर्ड है जो कि अपने पाँव को चोंच तक लेकर जा सकता है और किसी भी चीज़ को इसके ज़रिए खा भी सकता है। क्या आप जानते हैं कि ये पैरट की ख्वाहिश होती है कि उसको पेट बनाकर रखा जाए, यानी इनको पिंजरों में रहना काफ़ी पसंद है, मगर शर्त ये है कि इनकी तमाम ज़रूरियात का ख्याल रखा जाए और इनके साथ वक्त भी बिताया जाए, तब ये पिंजरों में बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। पैरट्स सोशल बर्ड हैं और ये जिस ग्रुप में रहते हैं उसको बोलते हैं फ्लॉक। एक फ्लॉक में 30 या फिर इससे ज़ायद पैरट्स हो सकते हैं और ये बिल्कुल एक फैमिली की तरह रहते हैं। इस वीडियो का आखिरी हिस्सा लाइफ स्पैन, तो अब जान लेते हैं इनकी ज़िंदगी के बारे में। जैसा कि मुसलमान होने के नाते हम ये जानते हैं कि मौत हर चीज़ को आनी है, तो पैरट्स अडल्ट होते हैं 1 से 4 साल के अंदर। डिफरेंट स्पीशीज की डिफरेंट एज होती है, जैसा कि कुछ पैरट्स की एज होती है 5 से 10 साल। इनको पेट बनाने में काफ़ी मज़ा आता है क्योंकि इनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा लंबी होती है और ये इंटेलिजेंट भी होते हैं। तो सेकंड इनकी एज होती है 20 से 30 साल तक। शायद आप हैरान हो गए हो, मगर अभी आगे भी सुनिए। इनकी कुछ स्पीशीज की एज होती है 70 से 90 साल। शायद ये जानकर आप शॉक हो गए हो। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आज हमने पैरट की भी कहानी मुकम्मल कर दी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि मैं लाता रहूँ आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग, इंफॉर्मेटिव और अमेजिंग वीडियोस। तो मैं अब आपको मिलूँगा एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड लक।